भिलाई शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के मद्देनजर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीम लगातार शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और बाजारों में पेट्रोलिंग कर सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर ही रखने की समझाइश दे रही है। इसी कड़ी में शनिवार की रात यातायात पुलिस की टीम ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर के नेतृत्व में सूर्या टीआई मॉल के पास पहुंची, जहां सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहनों को देखकर सूर्या मॉल के पार्किंग मैनेजर को बुलाकर सड़क पर खड़े वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाने की समझाइश दी गई। सूर्या मॉल चौराहे की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। मॉल में आए कुछ लोगों द्वारा ही अपने वाहनों को पार्किंग में पार्क किया जाता है। वहीं ज्यादातर लोगों द्वारा अपने दो पहिया और चौपहिया वाहनों को सड़क में ही पार्क कर दिया जाता है, जिससे सड़क जाम की स्थिति बनने के साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बरकरार रहती है। शाम के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लापरवाही पूर्वक लोगों द्वारा सड़क को पार्किंग में तब्दील कर दिया जाता है। देर रात तक ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सूर्या मॉल चौराहे की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यहाँ सड़क जाम की स्थिति आए दिन होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बने रहती है। पूर्व में कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हो चुकी हैं। इसी के मद्देनजर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर द्वारा यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ सूर्या मॉल चौक की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और मॉल के पार्किंग मैनेजर को बेहतर व्यवस्था बनाने निर्देश दिए गए। निरीक्षण की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। लगातार हमको एक सूचना मिल रही थी कि सूर्या मॉल में वीकेंड के दिन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और जो वाहन चालक हैं रोड में गाड़ियां को पार्क करते हैं, चाहे दो पहिया हो चार पहिया हो, जो पार्किंग में लगा स्टाफ भी वहां पे पार्किंग करवाने में मदद करता है। तो कल से हमने एक विशेष अभियान चालू किया है, जो भी सूर्या मॉल में दो पहिया चार पहिया गाड़ियाँ रोड में खड़े करते थे उसमें हमने कार्रवाई भी किया हुआ है और जो वाहन चालक आते हैं और इसके अलावा जो पार्किंग में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी हिदायत दिया गया है कि कोई भी गाड़ी रोड में पार्क ना करें और किसी भी व्यक्ति को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। यदि कोई भी ऐसा पाया जाता है तो उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई जारी करेंगे। गौरतलब है कि सूर्या मॉल चौराहे में यातायात का दबाव शाम होते ही बढ़ जाता है। लोग मनमाने ढंग से चौराहे को क्रॉस करते हैं। वहीं सूर्या मॉल आए लोगों द्वारा सड़क को पार्किंग स्थल बना दिए जाने की वजह से स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी है, जिससे इस रास्ते से आवाजाही करते लोगों को रोजाना परेशान होना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।